गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, लगभग कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने गुपकार डिक्लेरेशन के ऊपर मोहर लगा दी। एक तरफ जहां गुपकार डिक्लेरेशन हुआ, वहीं दूसरी तरफ जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समाजसेवी संस्थाओं को और राजनीतिक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। तो क्या गुपकार डिक्लेरेशन जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को दो अलग अलग भागों में दिखा रहा है? क्या गुपकार डिक्लेरेशन ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर असल में दो संभाग हैं, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग, और इन दोनों संभागों का एक साथ एक आवाज़ में केंद्र सरकार से किसी भी चीज़ को मांगने का साहस इनमें नहीं है? क्या ऐसा गुपकार डिक्लेरेशन के बाद हुआ है? अगर एक आंकलन करें तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि वाकई गुपकार डिक्लेरेशन के बाद दो संभागों में जम्मू और कश्मीर बढ़ गया है। जहां जम्मू में राजनीतिक कारणों से और इन कारणों से भी कि जम्मू में कोई भी, जम्मू का क्षेत्रीय दल इतना मजबूत नहीं है कि वो जम्मू संभाग के सभी डिस्ट्रिक्टों में हो, वहीं पर कश्मीर घाटी में दो क्षेत्रीय दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं बल्कि जिनका राजनीतिक वर्चस्व जम्मू संभाग में भी है। लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के बाद, जिसमें बाय एंड लार्ज गुपकार डिक्लेरेशन को जिन लोगों ने माना, जिन लोगों ने समर्थन दिया है और जो जम्मू संभाग से नेता वहाँ गए हैं, उनमें ज़्यादा तादाद उन नेताओं की है जिनका एक धर्म और एक समुदाय से रिश्ता है, जिनका एक धर्म और एक समुदाय से ताल्लुक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा गुपकार डिक्लेरेशन के समय जम्मू में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी कद्दावर नेता जो पिछले कल में, जो इतिहास में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से MLC रहे हैं, MLA रहे हैं, वो भी गुपकार डिक्लेरेशन में नज़र नहीं आए। नज़र अगर आए तो डोडा से खालिद नजीब सोहरावर्दी नज़र आए और भी कुछ जो चेहरे वहाँ पर नज़र आए, उनका एक धर्म और एक समुदाय से ताल्लुक है। क्या गुपकार डिक्लेरेशन ने हिंदू और मुसलमान में जम्मू कश्मीर को बांट दिया है? ये गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जो लोग वहाँ गुपकार डिक्लेरेशन के गए में शामिल हुए, उन सभी लोगों को इस पर भी चिंतन मंथन करना होगा। इस बात पर भी चिंतन मंथन करना होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रवक्ताओं की जो लिस्ट निकाली, उसमें एक भी प्रवक्ता किसी दूसरे समुदाय का नहीं, बल्कि एक ही समुदाय के सारे प्रवक्ता हैं। और उसमें अगर दूसरे किसी समुदाय का कोई प्रवक्ता है भी, उसका ताल्लुक भी कश्मीर संभाग से ही है, उसका भी जम्मू संभाग से कोई लेना देना नहीं। जम्मू संभाग से एकमात्र प्रवक्ता जो हैं वो किश्तवाड़ से आते हैं और वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से MLC रह चुके हैं। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जम्मू संभाग में भी सियासी हलचल हुई, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, जम्मू के राजनीतिक दलों के लिए संभावनाएं बहुत कम हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पर आकर गुपकार डिक्लेरेशन के मुकाबले में कोई जम्मू डिक्लेरेशन करें। और उसके बाद जो स्वर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इंडिया टुडे के इंटरव्यू में नज़र आए, वो साफ तौर पर ये दर्शा रहे थे जम्मू संभाग की राजनीति अलग है और कश्मीर संभाग की राजनीति अलग है। यदि कश्मीर संभाग में कुछ करने से जम्मू संभाग में उसका कोई रिएक्शन होता है तो उसकी चिंता नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति है, जम्मू संभाग में जो राजनीति चलती है या जम्मू संभाग जिस राजनीति के साथ खड़ा है, ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति कश्मीर में भी चले, और कोई भी चीज़ जो कश्मीर संभाग में होगी उसका रिएक्शन कहीं और होता है तो उसकी जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं। ये कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा। गुपकार डिक्लेरेशन में 370 की बात की गई, गुपकार डिक्लेरेशन में 35A की बात की गई, लेकिन अगर इतिहास पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये मालूम पड़ता है कि 1975 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दोबारा से जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो जिस समय वो जेल गए थे तब प्रधानमंत्री थे, जिस समय वो जेल गए थे तब यहाँ राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिस समय वो जेल गए थे उस समय और भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी, और जब वो बाहर आए उस समय उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना पड़ा और यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल थे। और उसके बाद
बात ग्रेटर ऑटोनॉमी की गई और 1999 में ग्रेटर ऑटोनॉमी के साथ क्या हुआ वो सभी को मालूम है। उसके बाद बात हुई सेल्फ रूल की, सेल्फ रूल का बाद में क्या हुआ वो भी सभी को मालूम है। सरकार बन गई, सेल्फ रूल भी भूल गए, ग्रेटर ऑटोनॉमी भी भूल गए कि केंद्र सरकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को वापस लाने की जो सुबह से लेकर शाम तक ढोलकी बजती थी वो ढोलकी बजना भी बंद हो गई। जो इकोनॉमिक एडवाइज़र पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद को सुबह से लेकर शाम तक ये सपने दिखाते थे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को वापस लाएंगे और उनके वापस आने के बाद जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, वो जब खुद वित्त मंत्री बने उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों की बात करना बंद कर दी। बात होने लगी कि जम्मू कश्मीर में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। जिस राजनीतिक नेता ने ये बात की वो जब तक विपक्ष में थे तब तक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते रहे। 2009 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिवोक किया जाएगा यदि हमारी सरकार आएगी। 2002 से लेकर 2008 तक यही गाना गाते रहे, 2009 से लेकर 2014 तक सरकार रही, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को लेकर ट्वीट भी हुआ, कह भी दिया गया कि कल रिवोक हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी रिवोक नहीं हुआ। और भी कई वादे थे जो वादे किए गए, जब अच्छा लगा, जब तक अच्छा नहीं लग रहा था, जब तक अपनी कोई मजबूरी नहीं थी तब तक जम्मू कश्मीर का बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, लेकिन जब अपनी मजबूरियां आईं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर सरकार का ऑफिशियल बैंकर भी बनाया गया। जब तक कोई मजबूरी नहीं थी, जब तक कोई खुद की परेशानी नहीं थी, वो सभी कानून जो केंद्र में लागू थे उन्हें तब तक जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ खेलना था, लेकिन जब खुद सरकार का हिस्सा हुए तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट केंद्र सरकार ने जिस समय लागू किया और एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री हुआ करते थे, पोटा को देश भर में जिस समय इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारी सरकार ने भी समय नष्ट किए बगैर उस कानून को जम्मू कश्मीर में लागू किया। 2002 में गुजरात में दंगे हुए और अपनी किताब में खुद लालकृष्ण आडवाणी कहते हैं हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कहा कि आप हमारा साथ छोड़ दीजिए, इसका राजनीतिक तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये इतिहास है, इस इतिहास को हम झुटला नहीं सकते। गुपकार डिक्लेरेशन की जगह अगर जम्मू कश्मीर में कोई कोविड डिक्लेरेशन कश्मीर की तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर किया होता, अगर इस गुपकार डिक्लेरेशन की जगह जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन इन तमाम राजनीतिक दलों में जम्मू संभाग के दलों के साथ मिलकर किया होता और केंद्र सरकार के साथ जम्मू और कश्मीर के नेता मिलकर केंद्र सरकार के पास जाते और उन्हें कहते कि जम्मू कश्मीर जैसे ऐतिहासिक राज्य को लंबे समय तक यूनियन टेरिटरी बनाकर रखना सही नहीं है, आप हमें हमारी स्टेटहुड रिस्टोर करिए, जम्मू कश्मीर के बच्चे 4G के लिए तरस रहे हैं, आप हमें 4G रिस्टोर करिए, लेकिन अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के लिए और अपने आने वाले कल की राजनीति की मजबूरियों के लिए गुपकार डिक्लेरेशन ज़रूरी है। कश्मीर घाटी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद उन परिवारों की है जिन्होंने आतंकवाद की भट्टी में कोई न कोई अपने घर का सदस्य खोया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर क्या, देश भर में लोगों ने इस जम्मू कश्मीर के आतंकवाद में किसी न किसी अपने परिवार के परिजन को जम्मू कश्मीर में खोया है। उन्हीं का ख्याल रखते, उन्हीं को अपने जहन में रखते कि 70 साल की, लगभग 73 साल हो चुके हैं, 2020 है, 73 साल की इस बर्बादी और इस तबाही के बाद सिर्फ इतना जहन में रखते कि जम्मू कश्मीर को अगर हमें इस बर्बादी, इस तबाही और इस खूनरेजी से बाहर निकालना है तो ज़रूरत है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं साफ तौर पे दर्शाता है कोरी राजनीति है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चाइना की बात करते हैं वो जानते हैं कि कश्मीर के अंदर एक आबादी वो भी है जो चाइना की तरफ भी देख रही है, अलगाववादियों का वो भी खेमा है जो खेमा हर वक्त भारत को लेकर, भारत की सीमाओं को लेकर और भारत की सीमाओं के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर
तालियां पीटना शुरू करता है जब वो देखता है कि भारत को किसी भी तरह का नुकसान चाइना के फ्रंट पर हो, पाकिस्तान के फ्रंट पर हो, ताइवान के फ्रंट पर हो, यूएसए के फ्रंट पर हो, वो तालियां पीटना शुरू करते हैं। ये तालियां आज से नहीं पीट रहे हैं, तालियां 1947 से पीट रहे हैं। बात ज़रा तल्ख है लेकिन बात सच है। इसी कारणवश वो जानते हैं कश्मीर घाटी का और कश्मीर घाटी में अलगाववादियों का की सोच कैसे चल रही है, उस सोच के ऐन मुताबिक बात करते हैं। जो सोच अलगाववादियों की है वही सोच लगभग इस खेमे की भी है। जम्मू कश्मीर के लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं हर दिन। आज तो मौत का आंकड़ा 5 तक पहुंचा है, लेकिन 5 लोग भी अगर कोविड-19 के कारण हमसे जुदा हो रहे हैं तो ज़रूरत थी कि गुपकार डिक्लेरेशन की जगह कोविड डिक्लेरेशन होता, ज़रूरत थी। और गुपकार डिक्लेरेशन भी अगर करना था तो जम्मू संभाग की तमाम राजनीतिक दलों को दावत दिए बगैर कोई भी डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर में डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगा। और कोई भी डिक्लेरेशन जब तैयार किया जाए, किसी भी तरह का राजनीतिक पर्चा अगर तैयार किया जा रहा है जिस पर्चे को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है कि उस पर्चे में जम्मू संभाग के नेताओं का, जम्मू संभाग के लोगों का, जम्मू संभाग के आम आदमी का हिस्सा हो। अगर जम्मू संभाग के आम आदमी का हिस्सा नहीं, अगर जम्मू संभाग में अलग अलग जो समुदाय रहते हैं उन समुदायों का इन कश्मीर बेस्ड राजनीतिक दलों में हिस्सेदारी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगा उन राजनीतिक दलों की जो प्रोविंशियल यूनिट्स जम्मू संभाग में हैं उन्हें इन हालात में लोगों को ये कन्विंस करना कि हम आपकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। आप जो भी कदम उठाएंगे उस कदम को जम्मू संभाग में शक की निगाह से देखा जाएगा। आप जो भी बात करेंगे वो बात अलगाववादी नज़र आएगी। आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे जम्मू संभाग में लोग उस प्रोग्राम को दिल से फॉलो नहीं कर पाएंगे। जम्मू संभाग में लोग आपका साथ नहीं दे पाएंगे। आपको वो प्रोग्राम बनाना होगा, आपको वो डिक्लेरेशन तैयार करना होगा जिस डिक्लेरेशन में जम्मू कश्मीर की बात हो, जिस डिक्लेरेशन में जम्मू कश्मीर के हर आम आदमी की धर्म जात समुदाय को छोड़कर बात हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी रिएक्शन कश्मीर, जो भी एक्शन कश्मीर में होगा उसका रिएक्शन जम्मू संभाग में देखने को मिलेगा, और जो भी एक्शन जम्मू संभाग में होगा उसका रिएक्शन कश्मीर संभाग में देखने को मिलेगा। और ये खींचतान की राजनीति अगर इसी तरीके से चलती रही तो ये खूबसूरत जम्मू कश्मीर आज अगर लद्दाख हमसे कट कर अलग हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं कि जम्मू और कश्मीर दो संभागों में बढ़ जाए। राजनीतिक दलों को सोच विचार करके और अपने डिक्लेरेशंस को डिज़ाइन करते वक्त बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के आम लोगों को होगा। हेलो हेलो हेलो।